हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आप सब कैसे हैं मुझे बताइएगा। और अभी सुबह मैं उठ गई हूँ, बिल्कुल लेजी लेजी सा फील हो रहा है अभी तो। मेरे को मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, लेकिन पर करना पड़ेगा काम। तो बस यहाँ मैं सोच ही रही हूँ कि क्या बनेगा आज खाने में, क्योंकि हर दिन बस यही सोचना रहता है सुबह से। हमारे यहाँ तो रात में डिसाइड हो जाता है कि कल क्या बनेगा। हालांकि सब घर की यही कहानी है खाना बनाने के लिए। यहाँ मैं और मम्मी खाना बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब। मैं सब्जी बना रही हूँ, मम्मी पोहा गला रही हैं, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में पोहा बनेगा। और मुझे मेरे घर में सबको ब्रेकफास्ट में पोहा सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो इजी भी है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। इसलिए हम सब डेली तो नहीं, मतलब एक दो दिन छोड़ के पोहा ही बनता है, उपमा बनता है। और तो बस वही मैं बना रही हूँ अभी। और यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला हो रहा है, पानी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है और जगह सब दूर बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस मैं अपना पोहा बना रही हूँ, यहाँ में से खुली नहीं रही डब्बी और मेरी नींद अभी भी नहीं खुल रही थी रात को। मेरे को रात में नींद ही नहीं, वो था ना, अगर रात को आप लेट सोए थोड़ा तो आपकी नींद उड़ भी जाती। और जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि उनको वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ वो मुझे बताइएगा, तभी तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं भी नया नया सीख ही रही हूँ। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ पोहा, तो चलिए देखते हैं। और एक हाथ से कैमरा पकड़ने में, फ़ोन पकड़ने में और एक हाथ से पोहा बनाने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। तो यस, यहाँ बन रहा है पोहा, इंदौरी पोहा बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पोहा बहुत पसंद है। और यहाँ हमने मलाई निकाल के रखी थी, क्योंकि आज घी भी बनाना है। हम लोग तो मलाई का घी बनाते हैं, उसे यूज़ करते हैं घर का शुद्ध घी। मैं और मेरी मम्मी घर पे ही घी बनाते हैं जब भी बनाते हैं। बस अभी पोहा बन रहा है, फिर उसके बाद मेरे को लंच प्रिपेयर करके लंच बॉक्स में रखना है हस्बैंड के, क्योंकि वो दोनों सब सामान लेके जाते हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट बन जाता है लेकिन करते ऑफिस में जाके ही हैं, तो बस उसको भी रखना है साथ में। और ये कैमरे में इतना येलो दिख रहा है पोहा। बस यहाँ पे मैंने सब्जी में भी धनिया डाल दिया है और पोहा में भी डाल देती हूँ, क्योंकि धनिया पत्ती के बिना पोहा अच्छा नहीं लगता मुझे। और यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे खजूरे आए हुए थे। हमारे यहाँ खजूरे बोलते हैं, आप पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी थे खाने में, बहुत पके हुए। और यहाँ मेरा छोटा नौटंकी बेटा उठ गया है, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो ये रोने लग गया। फिर इसको मेरी अटेंशन चाहिए थी कि बस चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, एक सांस में बोलने लगा। तो उसको बस मैं थोड़ा समझा रही हूँ कि थोड़ी देर बाद चलते हैं अपन ऊपर, फिर भी वो मान ही नहीं रहा था, उसको ऊपर जाना था, क्योंकि उसको हस्बैंड लेके नहीं गए। वो जाते हैं तब एक बार घुमाते हैं। और हमारी बन गई थी चाय, क्योंकि मैं सुबह नींबू पानी पीती हूँ और एंड उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ और थोड़ा सा मी टाइम इन्जॉय करती हूँ। उसके बाद नहाना होता है, फिर क्लीनिंग करनी रहती है घर की, जो सब सामान इधर उधर फैला हुआ रहता है उसको समेटना रहता है। यहाँ मैं ऊपर आ गई थी तो ये बढ़िया गाने सुन के डांस कर रहा था, जैसे हम लोग कैमरा ऑन करते हैं तो ये बस बंद कर देता है। और यहाँ पे ये बड़ा वाला उठने का नाम नहीं लेता है। हमारे घर में दोनों बेटे, मेरे बेटे मतलब डिफरेंट, एक जल्दी उठता है एक लेट उठता है। एक को सुबह जल्दी नहाने की आदत है, एक को लेट नहाने की आदत, दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। एक को कुछ भी काम नहीं रहता तो वो 6 बजे उठ के बैठ जाता है। और ये जी जी कर रहा था राम सिया के देख के। और यहाँ बस मम्मी पोहा लेके आ गई थी तो हम लोग पोहा खा रहे थे। और आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी सब रूम की, तो बस मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे वाला घर है, 2 दिन के बाद बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है, तो बस मैं उसे ही चेंज कर रही थी। और देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं।
क्योंकि बच्चों वालों घर में कुछ ना कुछ बच्चे ढोलते रहते हैं बिस्तर में, या तो कुछ इसलिए चेंज करना पड़ती है। तो बस यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर ली है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बिग बॉस OTT, एंड ये यहाँ पर रोज़ की तरह नहा लिया है और पाउडर का बेहाल कर रहा है, बस उसे मिल जाए। और इसका अच्छा ये अपना नहा के खा के सो भी जाता है। फिर दिन में जब हम लोग सोते हैं तो बिल्कुल हमें सोने नहीं देता, जब इसे खेलना होता है और कुछ काम करना रहता है। और यहाँ मैंने सोफ़ा का कवर भी लगा दिया है, क्योंकि बच्चे दिन भर इस पर कूदते ना तो पूरा गंदा कर देते, तो मैंने कवर डाल दिया था। अभी हटा दिया था कुछ दिनों के लिए तो उसे डाल दिया है। एंड मैंने नहा लिया है, हमने खाना भी खा लिया है। बस कुछ इस तरह से मेरा दिन निकला। यहाँ मेरे बाल गीले हो गए थे नहाते टाइम, तो बस उसे ही सुखा रही हूँ। एंड बस शाम को मुझे जाना था योगा क्लासेस, तो बस उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। वैसे तो योगा मॉर्निंग में करना चाहिए, लेकिन मुझे शाम को टाइम मिलता है तो मैं शाम को ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम रहता है, मेरे घर में बच्चे भी हैं, तो बस मैं शाम को ही जब जब टाइम मिलता है जब मैं कर चली जाती हूँ। तो इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, तब तक के लिए टिल देन बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि क्या मैंने गलतियाँ की हैं तो मैं उसे ठीक करूँ। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।